हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं धीरज यादव यहाँ पे आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ रीजनिंग का लेक्चर नंबर 4, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। अगर हम बात करें चैप्टर की, तो आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन, यानी कि अगर हम हिंदी की बात करें तो रक्त संबंध। क्लियर। अगर हम बात करें प्रीवियस सेशन की, तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 कवर अप किया, और साथ ही साथ वहां पे हम लोगों ने चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके दिए गए वेबसाइट पे इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस शीट के रूप में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जहां से जाकर के आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज के इस पर्टिकुलर चैप्टर की कि यह चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसा कि जब हम लोग क्या कर रहे थे, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम का एनालिसिस कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में इस पर्टिकुलर चैप्टर से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही रहे थे। यानी कि अगर हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यह चैप्टर आपका बहुत ही क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन। अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन की, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, यानी कि आपके एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से किन किन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, तो आपसे बेसिकली यहां पे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रकार के अगर हम प्रश्न की बात करें, तो फैमिली ट्री या फिर पजल्ड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। क्लियर। दूसरे प्रकार के अगर हम प्रश्न की बात करें, तो आपका कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन, और अगर हम यहाँ पे तीसरे प्रकार के प्रश्न की बात करें, तो पॉइंटेड या फिर इंडिकेटिंग फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें प्रश्नों के प्रकार की, तो आपको बेसिकली 3 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। और इन 3 प्रकार के प्रश्नों की अगर हम बात करें, तो आपका जो पहले प्रकार का प्रश्न है, यानी कि फैमिली ट्री या फिर पजल्ड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन, यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर आपने इस प्रकार के प्रश्न को बनाना सीख लिया, तो आपके जो बचे हुए 2 प्रकार के प्रश्न हैं, इसको आप आसानी से क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, फैमिली ट्री या फिर पजल्ड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन से। लेकिन इसको सीखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें जान लेना आवश्यक है इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करने के लिए, वह बातें कौन सी हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जब कभी भी हम इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न देखेंगे, कोई भी प्रश्न हम लोग हल करेंगे, तो ध्यान ये दे लेना है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति का नाम यह डिसाइड नहीं करेगा कि उस व्यक्ति का जेंडर क्या है। यानी कि कभी भी आप व्यक्ति के नाम से यह नहीं डिसाइड कर सकते कि वह व्यक्ति मेल है अथवा फीमेल, यानी कि वह व्यक्ति महिला है अथवा पुरुष। तो यानी कि नाम यह आपका निर्धारित नहीं करेगा कि जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका जेंडर क्या है। दूसरा, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके कुछ संबंधों की अगर हम टर्मिनोलॉजीज की बात करें, तो वह भी जान लेना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है यदि आप ब्लड रिलेशन चैप्टर के क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। तो चलिए कुछ संबंधों से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, मदर्स और फादर्स। फादर यानी कि हम माता अथवा पिता के पिता की अगर हम बात करें, तो हम लोग इसके लिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज करने वाले हैं, ग्रैंड फादर। यह मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अगर हम हिंदी की बात करें, तो हिंदी में आपको माता के पिता है तो नाना हो जाएंगे और पिता के पिता है तो दादा हो जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में आपको ग्रैंड फादर ही देखने को मिलता है। और कई बार अगर मैं बात करूं, तो हिंदी में आपको इस प्रकार से भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप वहां पे कंफ्यूज ना हो, हालांकि ये तो एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पे अगर हम बात करें तो, जो कि हम लोग बचपन से ही सुनते और सीखते आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मदर्स और फादर्स, मदर यानी कि मदर की हम बात करें या फिर पिता की हम बात करें, फादर की हम बात करें, तो इनकी माता यानी कि मदर की मदर या फिर फादर की मदर, इनके लिए हम लोग यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, ग्रैंड मदर। क्लियर। हिंदी की बात करें तो मदर की मदर जो है वो क्या हो जाएंगी, नानी हो जाएंगी, और फादर की मदर जो है वो क्या हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी। इसी तरह से अगर हम बात करें मदर्स और फादर्स ब्रदर, यानी कि माता का भाई या फिर पिता का भाई, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वर्ड क्या यूज करेंगे, अंकल।
इसी प्रकार हम बात करें अगर मदर्स और फादर्स सिस्टर, यानी कि माता की बहन अथवा पिता की बहन, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे आंट। सन्स वाइफ यानी कि बेटे की पत्नी, जिसको हिंदी में हम लोग किसके नाम जानते हैं, बहू। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बेटे की पत्नी तो क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ, और यहाँ पे बेटी का पति तो क्या हो जाएगा, सन इन लॉ, यानी कि हिंदी की बात करें तो दामाद। अब बहुत सारे बच्चों के मन में यह प्रश्न भी उठ रहा होगा कि सर जैसे हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में स्पेसिफाई कर लेते हैं नाना नानी, चाचा चाची, मौसी मौसा, इस प्रकार से, तो क्या इंग्लिश में भी हम लोग इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप इसको इंग्लिश में भी स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मदर के साइड के जो भी रिलेशंस होंगे उसको हम लोग मैटरनल के नाम से जानते हैं, और फादर के साइड के जो भी रिलेशंस होते हैं उसको हम लोग पैटर्नल के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे पहले मैटरनल, यानी कि मैटरनल वर्ड के बारे में, जब हम लोग क्या करेंगे किसी भी रिलेशन के आगे मैटरनल वर्ड यूज करेंगे, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है ग्रैंडफादर, और इसके आगे अगर मैं जोड़ दूं क्या, मैटरनल। तो जब हम लोग मैटरनल ग्रैंडफादर बोलेंगे, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मदर्स फादर, यानी कि हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, माता के पिता यानी कि नाना की बात कर रहे हैं, क्लियर। इसी प्रकार अगर मैं ग्रैंडफादर के आगे लगा देता हूं पैटर्नल, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फादर्स फादर, यानी कि हम लोग पिता के पिता या कहें तो दादा की बात कर रहे हैं, क्लियर। अच्छा, अब मान लेते हैं जैसे हमने यहां पे लिख दिया मैटरनल अंकल, क्लियर, हमने लिख दिया मैटरनल अंकल। अब मैटरनल अंकल में कौन कौन आएंगे आपके, उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये तो पता है कि मैटरनल का मतलब क्या, कि मदर के साइड वाले रिलेशन। तो मदर के साइड वाले रिलेशन में कौन कौन आएगा, तो माता के भाई यानी कि हम लोग किसकी बात करेंगे, मामा की बात करेंगे। एज वेल एज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मौसी के हस्बैंड यानी कि मौसा की अगर हम बात करें तो उसको भी हम लोग मैटरनल अंकल के नाम से डिनोट करेंगे। इसी में अगर मैं पैटर्नल अंकल जोड़ देता हूँ, यानी कि पैटर्नल वर्ड जोड़ देता हूँ, तो पिता के भाई यानी कि चाचा, या फिर हम कह सकते हैं कि बुआ के हस्बैंड यानी कि फूफा, दोनों के लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे पैटर्नल अंकल, क्लियर। तो जैसा कि मैंने कहा कि फादर के साइड के रिलेशन के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, पैटर्नल, और मदर की साइड के लिए मैटर्नल। यहां तक क्लियर, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। चलिए अब जैसा कि हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या सीखने वाले हैं, फैमिली ट्री या फिर पजल्ड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। अब इस प्रकार के प्रश्न को सीखने के लिए सबसे पहले हमें यह जान लेना है कि रिलेशंस को इंडिकेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ साइन का यूज करने वाले हैं, कुछ चिन्हों का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, किसको, संबंधों को दर्शाने के लिए। तो वह चिन्ह कौन कौन से होने वाले हैं, वो साइन या फिर सिंबल कौन कौन से होने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे साइन, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर को रीड करना, और फिर हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। तो वह साइन कौन कौन से, वह चिन्ह कौन कौन से होने वाले, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, स्ट्रेट एरो या फिर स्ट्रेट लाइन की, या फिर आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग किसको डिनोट करेंगे, हम लोग डिनोट करेंगे सेम जनरेशन के रिलेशंस को, और सेम जनरेशन के रिलेशन में आपको यहाँ कौन कौन मिलने वाले हैं, तो सेम जनरेशन के रिलेशन में यहाँ पे आपके मिलने वाले हैं ब्रदर यानी कि भाई, और सिस्टर यानी कि बहन। इसी प्रकार इधर भी आपको कौन मिल जाएगा, भाई या फिर बहन, क्लियर। यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन की अगर बात करें यानी कि अप एरो की बात करें, तो यहाँ पे हम एक जनरेशन के डिफरेंस को क्या करेंगे, एक जनरेशन के गैप को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, यानी कि एक जनरेशन ऊपर में आपके कौन से रिलेशन मिलने वाले हैं, तो मदर यानी कि माता, या फिर फादर यानी कि पिता, क्लियर। और अगर हम बात करें एक जनरेशन नीचे में, तो एक जनरेशन नीचे में कौन मिलेगा, तो यानी कि सन, पुत्र, या फिर डॉटर यानी कि पुत्री, क्लियर। फिर हम इसके अलावा बात करेंगे डबल एरो या फिर डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग यहां पे किसको डिनोट करेंगे, तो यहां पे हम लोग डिनोट करेंगे मैरिड कपल्स यानी कि विवाहित जोड़े को,
मैरिड कपल यानी कि विवाहित जोड़े को, इट मीन्स यहाँ पे आपको कौन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको हस्बैंड या फिर वाइफ, पति या फिर पत्नी। इन द सेम वे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पति या फिर पत्नी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आपको पति देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे कौन देखने को मिलेगी, पत्नी। यहाँ पे अगर आपको भाई देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आपका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, यानी कि दो भाई एक साथ हो सकते हैं, दो बहन एक साथ हो सकती है, एक भाई एक बहन हो सकते हैं, लेकिन कभी भी दो हस्बैंड आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इधर हस्बैंड है तो इधर हस्बैंड नहीं मिलेगा, इधर वाइफ है तो इधर वाइफ नहीं मिलेगी। क्लियर। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग सर्कल या फिर माइनस के साइन से डिनोट करेंगे फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और प्लस या फिर स्क्वायर से हम लोग डिनोट करेंगे किसको, मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली को। यानी कि अगर हम बात करें घर की महिला सदस्यों के लिए हम लोग सर्कल या फिर माइनस का साइन यूज करेंगे, और अगर हम बात करें स्क्वायर या फिर प्लस का साइन यूज करेंगे किसके लिए, घर के पुरुष सदस्यों को डिनोट करने के लिए। क्लियर, यहां तक क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सिंबल्स का यूज करके एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और उस स्ट्रक्चर से हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन निकालना सीखेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर को हम लोग रीड करना सीखेंगे। तो आई होप कि यहां तक आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई कि हम लोग अगर बात करें स्ट्रेट लाइन या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग रिलेशन को किसको डिनोट करते हैं, तो सेम जनरेशन के रिलेशन को डिनोट करते हैं। सेम जनरेशन के रिलेशन में यहाँ पे आपको कौन देखने को मिलेगा, तो ब्रदर सिस्टर, और अगर हम बात करें डबल एरो की तो डबल एरो से हम लोग मैरिड कपल्स को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, यानी कि आपके हस्बैंड और वाइफ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, पति या फिर पत्नी। अप एरो क्या दिखाएगा, आपके एक जनरेशन के गैप को दिखाएगा, यानी कि ऊपर वाले क्या होंगे, एक जनरेशन ऊपर के सदस्य होंगे जिनमें आपके कौन होंगे, माता अथवा पिता, और एक जनरेशन नीचे में पुत्र अथवा पुत्री। क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सिंबल्स का इन्हीं साइंस का यूज करके एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं, तो आप लोग भी क्या करेंगे, फटाफट से मेरे साथ में स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, दिस इज सी, मैरिड विथ डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। फटाफट से इसको आपको ड्रॉ कर लेना है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, कुछ रिलेशंस की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे एफ का रिलेशन एच के साथ, फिर हम लोग यहां बात करेंगे सी का रिलेशन ई के साथ, एफ का रिलेशन डी के साथ, बी का रिलेशन डी के साथ, फिर हम लोग बात करेंगे जे का रिलेशन, इसको इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सी का रिलेशन जे के साथ, फिर हम लोग बात कर लेते हैं जे का रिलेशन एल के साथ, और फिर हम लोग बात कर लेते हैं जे का रिलेशन डी के साथ। चलिए तो यहां पे आपको बताना है कि प्रश्न क्या है, कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर को रीड करना है और यह बताना है
कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। अब इसमें भी दुविधा या समस्या क्या आती है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिलेशन हमें कैसे फाइंड करना है, तो जैसे कि प्रश्न में दिया गया है हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, यानी कि एफ एच से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां आप क्या करेंगे, एफ और एच को फाइंड करेंगे। तो एफ आपको ये देखने को मिल रहा है, एच आपको ये देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें तो ये एफ की क्या हो गई, पत्नी हो गई, और ये पत्नी की क्या, पत्नी के कौन हो गए, पिता हो गए। तो पत्नी के पिता हो गए यानी कि क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। और अगर हम एफ की बात करें तो एफ क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये आता है कि सर यहाँ पे हम आंसर क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम उत्तर क्या देंगे, ससुर लिखेंगे या फिर दामाद लिखेंगे, यानी कि हम यहाँ पे फादर इन लॉ लिखेंगे या फिर सन इन लॉ लिखेंगे। सबसे पहले कंफ्यूजन तो ये है, क्लियर। तो पहले प्रश्न की अगर हम उत्तर की बात करें तो कंफ्यूजन कहाँ है, दामाद और ससुर में। बैठे किस लिए हो, बैठे भी इसीलिए हो, यानी कि दामाद बनने ही तो आए हो यहाँ पे, है कि नहीं, कि पहले नौकरी लग जाए तो सरकारी बन जाए, और एक बार सरकारी बन जाएंगे तो फिर तो टेंशन ही खत्म है ना। चलो, तो देखो इस प्रकार की जो दुविधा है इसको दूर करने के लिए यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ जिन बातों को, उसको आप लोग को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या है, हाउ इज F related to H, F related to H। हिंदी की अगर हम बात करें तो लिखा है F H से किस प्रकार, किस प्रकार संबंधित है। चलिए, ये हो गया आपका प्रश्न। अब यहां पे डाउट ये होता है कि हम आंसर क्या करेंगे, हम आंसर करेंगे ससुर या फिर हम आंसर करेंगे दामाद। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए आपको एक प्रश्न लिख लेना, और यह प्रश्न आपको याद रखना है, और वह प्रश्न क्या होगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं। आपको एक प्रश्न लिख लेना है और ये प्रश्न आपको याद रखना है, How is you related to your father? यानी कि आप अपने पिता से किस प्रकार संबंधित हैं? कौन सा प्रश्न आपको याद रख लेना है? आप अपने पिता से किस प्रकार संबंधित हैं? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कौन आया यहाँ पे, तो आप कहोगे बाप आए, तो बाप नहीं, सबसे पहले यहाँ पे आप आए, यानी कि हिंदी की बात करें तो हाउ इज यू, हिंदी की बात करें तो आप, सबसे पहले वर्ड आपको क्या मिलेगा, आप। तो बाप क्वेश्चन में बाद में आया, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो हाउ इज यू यानी कि आप अपने पिता से किस प्रकार संबंधित है। तो जितने भी बंदे इस पर्टिकुलर सेशन को देख रहे हैं वो लोग क्या उत्तर करेंगे, सन। जितने भी बंदे इस पर्टिकुलर सेशन को देख रहे हैं वो लोग क्या उत्तर करेंगे, सन। और बंदियां क्या उत्तर देंगी, मून। मून नहीं, यानी कि बंदियां क्या उत्तर देंगी, डॉटर, ठीक है ना। तो यानी कि देखिए प्रश्न में सबसे पहले क्या मिला आपको, यू मिला, तो आप उत्तर किसके लिए देंगे, यू के लिए। इन द सेम वे यहां पे सबसे पहले आपको क्या मिला, एफ, तो आप आंसर किसके लिए करेंगे, एफ के लिए, चाहे हिंदी की बात करें चाहे इंग्लिश की बात करें। तो अभी बताओ यहां पे आंसर आप किसके लिए करोगे, एफ के लिए करोगे कि एच के लिए, तो आप उत्तर करोगे एफ के लिए, और एफ यहां पे क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या करोगे, सन इन लॉ। तो बाकी के लिए भी फटाफट आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सभी के लिए आपको आंसर निकाल लेना है, और उसके बाद में आपको क्या करा लेना है, मैच करा लेना है, क्लियर। चलिए, अब मैं यहां पे इन चीजों को रिमूव कर रहा हूं। तो यानी कि हम बात करें अगर पहले प्रश्न की, इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूं, अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सन इन लॉ, यानी कि दामाद। तो मैं लिखते चल रहा हूं, और आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके
सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर निकालना है और उसके बाद में मैच करा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन इन लॉ यानी कि दामाद। फिर पूछा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, सी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां पे हो गया, ये हो गया सी, यानी कि ये इनका क्या हो गया, भाई हो गया, और ये भाई की क्या हो गई, पत्नी हो गई। तो भाई की पत्नी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, भाभी हो जाएगी, और इंग्लिश की बात करें तो क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ। इंग्लिश की बात करें तो क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पूछा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, तो यह हो गई इनकी पत्नी और यह हो गया पत्नी का भाई। तो पत्नी का भाई कौन हो जाएगा, तो साला हो जाएगा, या फिर क्या लिखेंगे आप इसको, ब्रदर इन लॉ। क्लियर। नेक्स्ट वन अगर हम यहां पे बात करें तो पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, यानी कि अगर हम बात करें तो ये रहा आपका बी और ये रहा आपका डी। तो यह हो गई डी की पत्नी, पत्नी की यह हो गई माता यानी कि सास, और सास का यह हो गया हस्बैंड यानी कि ससुर। इंग्लिश की हम बात करें तो फादर इन लॉ। क्लियर। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो हाउ इज सी रिलेटेड टू जे, यानी कि सी जे से किस प्रकार संबंधित है। तो यह हो गई जे की माता, माता का हस्बैंड, यह हो गया जे का पिता, और पिता की यह हो गई बहन, यानी पिता की बहन की बात करें तो क्या हो जाएगा, आंट, या फिर पैटर्नल आंट आप कह सकते हो, हिंदी में बात करें तो बुआ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन आपसे पूछा है हाउ इज जे रिलेटेड टू एल, यानी कि जे एल से किस प्रकार संबंधित है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जे की, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे या तो गोला बनाना भूल गए हैं या तो स्क्वायर लगाना भूल गए हैं। तो मैं भूला कुछ नहीं हूँ, ध्यान दीजिए, कई बार आपके पास कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे जहां से आप यह नहीं डिसाइड कर सकते कि जो भी आपका व्यक्ति है उसका जेंडर क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, चलिए जैसे कि मैं स्टेटमेंट की बात करूं, अगर हमने कहा ए इज द मदर ऑफ बी, हमने कहा एक स्टेटमेंट ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि ए क्या है, बी की माता है, ए क्या है, बी की माता है। और हमने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। क्लियर। हमने कहा ए क्या है, बी की माता है, और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। या फिर अगर हम इसी स्टेटमेंट को इस प्रकार से पूछते हैं, ए इज द सन ऑफ बी, और यहां पे हम आपसे पूछ लेते हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। क्लियर। तो दोनों के बारे में ही हम यहां पे बात कर लेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस वाले स्टेटमेंट की, यानी कि सबसे पहले हम बात करने किसकी, इस वाले स्टेटमेंट की, यानी कि ए इज द सन ऑफ बी। अगर आपको स्टेटमेंट में दिया गया है ए इज द सन ऑफ बी, तो इसका स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि ए क्या है, बी का सन है, तो ए हो जाएगा एक मेल मेंबर और ये हो जाएगा बी, यानी कि ए क्या हो जाएगा, बी का बेटा। अब आपसे हिंदी में भी देखो इसको लिख लेना, ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि ए क्या है, बी की माता है। प्रश्न में पूछा गया है बी ए से किस प्रकार संबंधित है। यहां पे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो दिया गया है ए इज द सन ऑफ बी, ए क्या है, बी का पुत्र है। प्रश्न क्या पूछा गया है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, यानी कि बी ए से किस प्रकार संबंधित है। क्लियर। तो समझिए यहां पे आपसे पूछा गया है हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो आप आंसर क्या करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया होगा, और आंसर क्या निकाले होगे आप लोग, फादर।
तो जितने भी लोगों का आंसर फादर आया है तो लगता है कि उन्होंने यह गाना नहीं सुना, कौन सा वाला, माँ द लाडला बिगड़ गया, यानी कि माँ के भी क्या होते हैं, लाडले होते हैं। और जितने लोगों का आंसर मदर आया है उनको यह गाना जरूर सुनना चाहिए कि कौन सा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर हम बात करें तो देखो बी का जेंडर यहां पे क्लियर नहीं है, यानी कि बी क्या हो सकता है, यहां पे फादर भी हो सकता है और बी क्या हो सकती है, यहां पे मदर भी हो सकती है। तो दोनों यहां पे पॉसिबिलिटीज हैं। इन द सेम वे अगर हम यहां पे बात करेंगे ए इज द मदर ऑफ बी, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो ए क्या हो जाएगी, बी की मदर। और यहां पे जब हम बात करेंगे बी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो आप नहीं बता सकते कि बी ए का पुत्र है अथवा पुत्री। तो ध्यान दीजिए, कई बार आपके पास ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे, इस वजह से मैंने यहां पे ना तो सर्कल बनाया ना तो स्क्वायर। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात कर लेंगे कि आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ रिलेशन ऐसे भी होते हैं जिसको डिफाइन करने के लिए आपको जेंडर की आवश्यकता नहीं होती, वह रिलेशन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर, तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं। चलिए तो अगर मैं यहां पे बात करूं हाउ इज जे रिलेटेड टू एल, तो ध्यान दीजिए यह हो गई एल की माता, ये हो गए इनके भाई यानी कि एल के मामा, ये उनकी पत्नी यानी कि एल की मामी, और मामा या फिर मामी जो भी कहो उनका बेटा होगा तो आप क्या कहोगे, और अगर बेटी होगी तो आप क्या कहोगे। तो हिंदी की तो हम बात करें तो आप क्या कहोगे, ममेरी बहन या ममेरा भाई, लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके पास एक ही वर्ड होगा और वो वर्ड क्या हो जाएगा, कजन। यानी कि ममेरी बहन हो, ममेरा भाई हो, चचेरी बहन हो, चचेरा भाई हो, फुफेरी बहन हो, फुफेरा भाई हो, तो सभी के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, कजन। अब भाई हो या फिर बहन हो, दोनों के लिए यहाँ पे क्या हम वर्ड यूज करते हैं, कजन ही यूज करते हैं। तो भाई या बहन, ध्यान देना, ममेरा भाई या ममेरी बहन, फुफेरा भाई या फुफेरी बहन, चचेरा भाई या चचेरी बहन, तो उसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, कजन। हिंदी की बात करें तो आपको कई बार इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लियर। इसी प्रकार कुछ और भी रिलेशंस होते हैं, जैसे कि हम बात करें स्पाउस, स्पाउस की बात करें तो क्या हो जाएगा, चाहे हस्बैंड हो सकता है या फिर वाइफ भी हो सकती है, यानी कि हम बात करें तो कजन, स्पाउस, और एक और आपका होता है सिबलिंग्स, ठीक है। तो भाई या फिर बहन किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। एट लास्ट अगर हम बात करें हाउ इज जे रिलेटेड टू डी, यानी कि हम अंतिम अगर यहाँ पे प्रश्न की बात करें तो पूछा है जे डी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां पे अभी तो आपका जेंडर नहीं क्लियर था जे का, तब तो काम चल गया आपका, क्यों, क्योंकि रिलेशन क्या था, कजिन। इस बार अगर हम बात करें हाउ इज जे रिलेटेड टू डी, तो ध्यान दीजिए यह डी की हो गई पत्नी और यह पत्नी का हो गया भाई, यानी कि हो गया इनका साला, और ये इनका अगर बेटा हुआ तो क्या होगा, और बेटी हुआ तो क्या होगा। तो बेटा हुआ तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगी, नेफ्यू, और अगर बेटी हुई तो उसके लिए क्या हो जाएगा, नीस, यानी कि हम हिंदी की बात करें तो भतीजा या फिर भतीजी, क्लियर। अब यहां पे सारी चीजें निर्भर करेंगी किस पे, आपके दिए गए विकल्प पे, यानी कि विकल्प क्या दिया हुआ है। तो यहां पे हम विकल्पों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं।
चलिए, अगर हम यहाँ पे विकल्पों की बात करें तो इस प्रकार से यदि आपके पास विकल्प दिए गए हैं तो इस केस में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर यदि इस प्रकार से विकल्प दिए गए हैं तो उत्तर क्या होगा, इस प्रकार से दिए गए हैं तो उत्तर क्या होगा, और इस प्रकार से दिए गए हैं तो आपका उत्तर क्या होगा। तो नेफ्यू यानी कि भतीजा, आंट, अंकल और सन, तो हमें पता है यह उत्तर तो हो नहीं सकता, यह भी उत्तर नहीं होगा और यह भी उत्तर नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास केवल और केवल एक ही विकल्प बचता है, वो कौन सा हो जाएगा, नेफ्यू, क्योंकि या तो नेफ्यू आंसर मिलेगा या तो नीस। नीस यहाँ पे दिया नहीं गया था तो हमारा प्रेफरेंस किसके साथ में जाएगा, नेफ्यू के साथ में जाएगा। इसी प्रकार अगर इस प्रकार से हमें विकल्प देखने को मिलता है तो हमें पता है यह उत्तर नहीं होगा, यह उत्तर नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, तो हमारा जो प्रेफरेंस होगा वो किसको जाएगा, नीस के साथ में जाएगा। यदि विकल्प में आपके दोनों ही ऑप्शन दे दिए जाते हैं और यहाँ पे दिया जाता है आइदर वन और टू, तो आप किसको प्रिफर करेंगे, आइदर और को प्रिफर करेंगे, यानी कि या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। और अगर आपके दोनों ही विकल्प दिए गए हैं और साथ ही साथ आपका यहाँ पे सीएनडी दे दिया जाता है तो आपका जो प्रेफरेंस होगा वो किसके साथ में जाएगा, सीएनडी के साथ में जाएगा, यानी कि कैनॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार हम नन ऑफ दीज के साथ ही वेरियस कॉम्बिनेशन पर बेस्ड ऑप्शंस की चर्चा करेंगे जब हम लोग प्रश्न को हल कर रहे होंगे, तो अभी फिलहाल के लिए इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उत्तर तो देंगे लेकिन किसके आधार पर देंगे, हम लोग ऑप्शन के आधार पर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि हमारे पास जो भी विकल्प होगा हम विकल्प के आधार पर यहाँ पे क्या करेंगे, उत्तर देंगे। यानी कि अगर नेफ्यू मिल जाता है हमें प्रेफरेंस में तो नेफ्यू, नीस मिल जाता है तो नीस, दोनों मिल जाता है तो आइदर और, अगर हमें सीएनडी मिलता है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता तो हम सीएनडी के साथ में जाएंगे। क्लियर, तो आई होप कि यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर ये चीजें आपको या बातें आपको समझ में आ गई तो हम लोग सीधे आते हैं कहां पे, प्रश्नों पर। चलिए, पहले अगर हम प्रश्न की यहाँ पे बात करें तो आपको दिया गया है देयर आर सिक्स मेंबर्स इन अ फैमिली पी क्यू आर एस टी एंड यू, यानी कि छह लोगों का क्या है, एक परिवार है। पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, तो आपको करना क्या है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले दिया है पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, यानी कि पी क्या है, क्यू की पुत्री है, तो यह हो जाएगा क्यू और यह हो जाएगा पी। जेंडर किसका क्लियर हुआ, पी का, क्योंकि पी क्या है, क्यू की पुत्री है। आगे दिया गया है बट Q इज नॉट द मदर ऑफ P, यानी कि Q क्या है, P की माता नहीं है। अब ये बताओ P क्या है, Q की पुत्री है लेकिन Q माता नहीं है, तो एक ही हमारे पास विकल्प बचता है क्या, कि Q क्या हो जाएगा, P का पिता हो जाएगा। फिर आपको दिया गया S इज द ब्रदर ऑफ Q, S क्या है, Q का भाई है। फिर आपको दिया गया U एंड R आर मैरिड कपल, यानी कि यू और आर क्या है, सॉरी यू एंड क्यू आर मैरिड कपल, यू और क्यू क्या है, मैरिड कपल, इट मीन्स क्यू इज मैरिड विद यू, क्यू किसके साथ में विवाहित है, यू के साथ में, और अगर यहाँ पे क्यू क्या है, मेल मेंबर है, तो डेफिनेटली यू क्या होगी, एक फीमेल मेंबर होगी, यानी कि यह हस्बैंड है, तो मैंने कहा था इधर हस्बैंड आपको देखने को नहीं मिलेगा, यह क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, किसकी, क्यू की। और अगली इंफॉर्मेशन की बात करें तो आपको दिया गया है टी इज द ब्रदर ऑफ पी, टी क्या है, पी का भाई है, तो टी क्या है, पी का भाई है, यानी कि एक मेल मेंबर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बोला है आर इज द डॉटर ऑफ यू, आर क्या है, यू की पुत्री है, तो यू की पुत्री है, यानी कि क्या हो जाएगी, यहां पे हो जाएगा टी, सॉरी आर क्या है, यू की पुत्री है, यानी कि क्या हो जाएगी, पी की बहन हो जाएगी, या फिर कह सकते थे टी की बहन हो जाएगी। क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, टी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो फिर से देख लीजिए फटाफट से। सबसे पहले दिया गया था पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, पी क्या है, क्यू की पुत्री है। फिर आपको दिया गया था क्यू इज नॉट द मदर ऑफ पी, यानी क्यू माता नहीं, तो क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। फिर आपसे बोला गया था S इज द ब्रदर ऑफ Q, S क्या है, Q का भाई है। फिर आपसे बोला गया था U एंड Q आर मैरिड कपल, इट मीन्स कि Q किससे विवाहित है, U के साथ में। फिर आपको दिया गया था T इज द ब्रदर ऑफ P, यानी कि T क्या है, P का भाई है। और फाइनली आपसे बोला गया था R इज द डॉटर ऑफ U, यानी कि R क्या है, U की
पुत्री है, तो इसको आप यहां से भी बना सकते थे कि इसकी पुत्री है या फिर पी की बहन है, दोनों बात क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। प्रश्न की बात करें तो पूछा है हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, टी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो ध्यान दीजिए या इनकी या इनका क्या हो गया भाई हो गया, और या भाई का क्या हो गया पुत्र हो गया, तो भाई के पुत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाई के पुत्र को इंग्लिश की बात करें तो नेफ्यू, और हिंदी की बात करें तो भतीजा। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट सिबलिंग्स, यानी कि भाई बहन के जोड़ों को कौन सा वाला इनमें से आपके दर्शाता है। तो देखिए अगर हम बात करें भाई बहन के जोड़ों को, तो यहां पे कौन कौन सा हो सकता है, तो क्यू और एस हो सकता है। चलिए क्यू हो सकता है, एस हो सकता है, पी हो सकता है, टी हो सकता है, और कौन हो सकता है, टी हो सकता है, आर हो सकता है, और कौन हो सकता है, तो आर हो सकता है और पी हो सकता है। क्लियर। तो यह आपके विकल्प हो सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कौन कौन सा, देखो क्यू और एस। अगर हम बात करें यहां पे तो R और U की बात करें, स्ट्रक्चर को मैं यहां पे भी ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। क्लियर। चलो फटाफट से स्ट्रक्चर में यहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं। P इज द डॉटर ऑफ Q, फिर उसके बाद में आपको दिया गया था S एंड Q इज नॉट द मदर ऑफ P, यानी कि ये हो जाएगा फादर। फिर आपको दिया गया था S इज द ब्रदर ऑफ Q, S जो है वो Q का क्या हो गया, भाई हो गया। फिर आपको दिया गया था यू एंड क्यू आर मैरिड कपल्स, यू और क्यू क्या हो गए, विवाहित जोड़े हो गए। फिर आपको दिया था टी इज द ब्रदर ऑफ पी, टी क्या है, पी का ब्रदर है। और फिर आपको दिया गया था आर इज द डॉटर ऑफ यू, यानी कि आर इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। अब बोला है कि इनमें से कौन सा समूह भाई बहनों को दर्शाता है, तो आप देखिए अगर पहले विकल्प की हम बात करें तो आर और यू, तो R और U नहीं होगा क्योंकि एक जनरेशन का यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आपको गैप देखने को मिल रहा है। P और S की बात करें तो यहाँ पे भी आपको जनरेशन का गैप देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करेंगे Q और T की, तो यहाँ भी आपको जनरेशन का गैप देखने को मिल रहा है, जबकि हम बात करेंगे T और P की, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही विकल्प हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें तो फटाफट से सभी को क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यहां पे दिया गया है अंजू इज द मदर ऑफ रिया, अंजू क्या है, रिया की माता है। अंजू क्या है, रिया की माता है। तो रिया का यहां पे जेंडर क्लियर नहीं होगा, ये मत बना लेना कि नाम रिया दिया है तो हम सीधे सीधे क्या बना ले, फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। रिया इज द सिस्टर ऑफ सिया। अब यहां पे आप बना सकते हैं कि रिया क्या है, फीमेल मेंबर है और किसकी सिस्टर है, सिया की। क्लियर। रिया इज द सिस्टर ऑफ सिया। फिर बोला है रोहित इज द सन ऑफ सिया, रोहित क्या है, सिया का पुत्र है। तो यहां से किसका जेंडर क्लियर हो गया, रोहित का। नेक्स्ट आपको दिया है मोना इज द मदर ऑफ श्रेया, मोना क्या है, श्रेया की माता है। तो यहां पे हम अलग से लिख लेते हैं, मोना क्या है, श्रेया की माता है। चलिए सोमा इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ अंजू, सोमा क्या है, अंजू की ग्रैंड डॉटर है। तो इनकी भी बेटी हो सकती है, सिया की भी बेटी हो सकती है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ। आगे आपको दिया है अमित हैज ओनली टू चिल्ड्रेन रिया एंड सिया, अमित के केवल दो ही क्या है यहाँ पे चिल्ड्रेन है, कौन कौन, रिया और सिया। तो ऑब्वियस ही बात है अमित विल बी मैरिड विद अंजू। देखो यहाँ पे बोला है अमित के केवल दो ही संतानें हैं, कौन कौन, रिया और सिया। तो ऑब्वियस ही बात है रिया और सिया किसकी संतान है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अंजू की। तो डेफिनेटली अमित और अंजू क्या होंगे, विवाहित जोड़े यानी कि मैरिड कपल होंगे। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, अमित। और एक लाइन यहां पे जो हमने मिस करी थी, श्रेया इज द सिस्टर ऑफ रोहित,
ये वाली हमने क्या करी थी, लाइन मिस कर दी थी, इस वजह से हमें इसको अलग से बनाना पड़ा था। तो ध्यान दीजिए, श्रेया इज द सिस्टर ऑफ रोहित, यानी कि श्रेया क्या है, रोहित की सिस्टर है। तो ये हो जाएगी श्रेया, और यहां पे दिया गया था कि मोना क्या है, श्रेया की मदर है। तो डेफिनेटली सिया और मोना क्या हो जाएंगे, मैरिड कपल हो जाएंगे, जिसमें से मोना क्या हो जाएगी, फीमेल मेंबर यानी कि पत्नी हो जाएगी, किसकी, सिया की। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, एक ही हमारे पास यहां पे बचा हुआ है, कौन, सोमा। जैसा कि दिया है सोमा इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ अंजू, तो यानी कि यहां पे सोमा क्या हो सकती है, अंजू की, रिया की भी पुत्री हो सकती है और सिया की भी पुत्री हो सकती है, यानी कि रोहित की बहन भी हो सकती है। तो हमारे पास दोनों ही विकल्प बचेंगे। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे प्रश्न की, पूछे गए प्रश्न की हम लोग बात कर लेंगे। तो प्रश्न में आप अगर देखेंगे तो पूछा है हाउ इज सोमा रिलेटेड टू रिया, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें इफ रिया इज अनमैरिड, यानी कि अगर रिया क्या है, अनमैरिड है। तो यहाँ पे अगर हम हिंदी की बात करें तो ध्यान दीजिए, पूछा है यदि रिया अविवाहित है तो सोमा रिया से किस प्रकार संबंधित है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सोमा के लिए दो पॉसिबिलिटीज बन रही थी, कौन कौन सी, कि सोमा अगर क्या होती, रिया की पुत्री होती तो भी वो अंजू की क्या लगती, ग्रैंड डॉटर लगती, और अगर वो सिया की पुत्री होती तो भी अंजू की क्या लगती, ग्रैंड डॉटर लगती। लेकिन प्रश्न में आपको कंडीशन दे दिया गया है कि यदि रिया अविवाहित है तो, तो यदि अगर रिया अविवाहित है तो डेफिनेटली सोमा किसकी पुत्री होगी, सिया की पुत्री होगी। और उस केस में यहाँ पे आपसे पूछा है सोमा रिया से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो जाएगा रिया का भाई, और इनके भाई की पुत्री इनकी क्या लगेगी, भतीजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए, अगर यह कंडीशन नहीं दी होती तो, अगर यह कंडीशन नहीं दी होती तो हमारा जो प्रेफरेंस होता हुआ तो सीएनडी के साथ में जाता, बट इनकेस अगर सीएनडी का विकल्प नहीं है तो ध्यान दीजिए हम किसको प्रेफर करते, सोमा, सोमा मतलब किसकी बेटी को प्रेफर करते, तो हम प्रेफरेंस किसको देते, सिया को देते। क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये कि क्वेश्चन में कहीं भी आपको यह मेंशन नहीं किया गया है कि रिया विवाहित है अथवा नहीं। दूसरी बात, अगर रिया को हम विवाहित मान भी लेते और यहाँ पे हम सोमा को ड्रॉ करते स्ट्रक्चर के रूप में, यानी कि सोमा को एज अ रिया की डॉटर अगर हम यहाँ पे ड्रॉ भी करते, तो रिया विवाहित है तो किसके साथ, यह भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। यानी कि जो हमें क्या करना पड़ता, एक एडिशनल मेंबर को एज्यूम करना पड़ता। तो जो हमारे दिए गए मेंबर्स है उन्हीं में जो हमारा बेस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसी से हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे, उसी को हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। यदि हमारे पास निर्धारित नहीं किया जा सकता का विकल्प नहीं है तो। क्लियर? तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न की। तो अगला प्रश्न पूछा है श्रेया सिया से किस प्रकार संबंधित है, तो यह रही आपकी श्रेया, यह हो गई सिया। तो श्रेया सिया से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉटर यानी कि पुत्री, विकल्प नंबर एक। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन सभी लोग ड्रॉ करेंगे फटाफट से। चलिए इस बार हिंदी में मैं पढ़ के यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। 7 सदस्यों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, यानी कि 2 क्या है, यहाँ पे मैरिड कपल है, तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे 2 क्या है, मैरिड कपल। फिर उसके बाद बोल रहा है और परिवार में महिला सदस्यों की तुलना में अधिक पुरुष सदस्य है, यानी कि मेल मेंबर क्या है, ग्रेटर देन है फीमेल मेंबर के। ये हो गई आपकी दूसरी इंफॉर्मेशन। और केवल विवाहित जोड़ों के ही बच्चे हैं, यानी कि संतानें किसकी हैं, केवल मैरिड कपल्स की। चलो नेक्स्ट वन आपको दिया गया है, एन एल की इकलौती पुत्री है। एन क्या है, एल की इकलौती पुत्री है। अब यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ के चलना है। जब कभी भी इस प्रकार के स्टेटमेंट आपको देखने को मिले, जैसे कि दिया गया है एन इज द ओनली डॉटर ऑफ एल, तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी चिल्ड्रन या हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एल हैव, यानी कि एल के कितने बच्चे हैं, तो आप यह नहीं उत्तर दे सकते कि एक। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या दिया गया है, ओनली डॉटर, यानी कि इसके अलावा इसके सन हो सकते हैं, यानी कि पुत्र यहाँ पे हो सकते हैं। क्लियर? पुत्री नहीं होगी लेकिन पुत्र हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको स्टेटमेंट में मान लीजिए दिया होता एन इज द ओनली सन ऑफ एल,
तो पूछ लिया जाए कि एल की कितनी संतान है, तो भी आप उत्तर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर ओनली आपको सन दिया है तो इसका मतलब डॉटर्स और भी हो सकती हैं। क्लियर? तो यहां पे जैसे, और अगर मान लीजिए आपको दिया गया है एन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एल, यानी कि एल एन क्या है, एल की एकमात्र संतान है, तो यहां पे आप उत्तर दे सकते हैं। यानी कि एल के अगर पूछ लिया जाता कि कितनी संतान है, तब आपका उत्तर हो जाता केवल एक, जैसा कि आपको स्टेटमेंट में ही पता चल रहा था कि इकलौती संतान। तो इकलौती संतान, इकलौता पुत्र और इकलौती पुत्री, इन तीनों के बीच का अंतर आपको हमेशा समझ के चलना है, ठीक है ना। तो इकलौती पुत्री दिया है, एन एल की इकलौती पुत्री है जो पी की सास है, जो किसके लिए आया। तो एक और यहां पे आप बात को समझ लीजिए, जब कभी भी यहां पे आपको जो लिखा हुआ मिले, और इंग्लिश की हम बात करें तो हु, क्लियर, तो वह किसके लिए आएगा। तो इसके जस्ट पहले जो आपको लेटर दिखाई देगा, या इसके पहले जो आपको व्यक्ति के बारे में जानकारी दी गई होगी, या किसके लिए होगा, उसके लिए होगा। तो जो के जस्ट पहले यहां पे आपको कौन दिखाई दे रहा है, एल, यानी कि यह जो वर्ड किसके लिए आया है, एल के लिए आया है। और इसी की जगह पे यदि आपको क्या लिखा हुआ मिलता, और इसी की जगह पे आपको क्या लिखा हुआ मिलता, और, या फिर हम इंग्लिश की बात करें तो क्या लिखा हुआ मिलता, एंड। क्लियर? तो जब आपको और या फिर एंड मिलेगा तो यह किसके लिए हो जाएगा, तो यह इसके जस्ट पहले वाले को छोड़ करके जो व्यक्ति होगा उसके लिए जानकारी हो जाएगी। जैसे यहां पे अगर आपको लिखा होता एन इज द ओनली डॉटर ऑफ एल एंड, तो जो एंड के बाद दी गई जानकारी होती वह किसके लिए हो जाती, एन के लिए हो जाती। और यहां पे यदि आपको लिखा हुआ मिलता एन एल की इकलौती पुत्री है और, तो जो जानकारी हो जाती वो किसके लिए हो जाती, एन के लिए हो जाती। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, पूरे के पूरे रीजनिंग में ये आपको हेल्प करने वाला है। क्लियर? चलिए तो हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं अगले दिए गए जानकारी के बारे में। तो यहां पे आपको अगली जानकारी क्या दी गई है, जो पी की सास है। तो पी की सास कौन है, तो पी की सास हो जाएगी एल। अब पी की सास एल हो जाएगी, तो यहाँ पे दो केसेस हमारे पास बनेंगे। वो दो केसेस कौन कौन से होंगे, तो देखो एक तो ये होगा कि ये हो गई एल, ये हो गया एन, और एन विवाहित हो गया किसके, एन विवाहित हो गई किसके साथ में, पी के साथ में। और दूसरा केस क्या बनेगा कि एन का कोई भाई है और वह विवाहित है किसके साथ में, तो वह विवाहित है पी के साथ में। तो दोनों ही केसेस में देखोगे तो एल क्या हो जाएगी, पी की सास हो जाएगी। यहां पे भी एल क्या हो जाएगी, पी की सास हो जाएगी। अगले अगर हम यहां पे इंफॉर्मेशन की बात करें, तो यहां पे दिया गया है आपको ओ क्यू और आर का पिता है। ओ क्या है, क्यू और आर का पिता है और एम का पुत्र है। ध्यान दीजिए क्या दिया है, ओ क्यू और आर का पिता है और एम का पुत्र है। यहां पे भी हम कोई लाइन मिस तो नहीं कर रहे हैं। चलिए ओ क्या दिया है, क्यू और आर का पिता है, ओ इज द फादर ऑफ क्यू एंड आर एंड सन ऑफ एम। तो दोनों ही केसेस में हम यहां पे बनाएंगे। और मेंबर्स कितने हैं अपने पास, सेवन। तो यहां पे हमने चार मेंबर्स ड्रॉ कर लिए, यहां पे हमने तीन मेंबर्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं किसकी, ओ की, ओ इज द फादर ऑफ क्यू एंड आर। तो अगर मैं यहां पे बात करूं ओ की, अगर मैं यहां पे ओ को रखूं और यहां पे इनके दो संतानें हम बनाए कौन, क्यू और आर। ओ क्या हो जाएगा, क्यू और आर का, ओ इज द फादर ऑफ क्यू एंड आर एंड सन ऑफ एम, और ओ क्या है, एम का पुत्र है। तो यहां पे हम एम को ड्रॉ कर सकते हैं। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेवन मेंबर्स के बारे में जानकारी दी गई थी वह पूर्ण होती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते, तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करना चाहते तो ओ इज द फादर ऑफ क्यू एंड आर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारे लिए ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमें मेंबर्स को एडजस्ट करना संभव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो जो बातें मैंने आपको बताई इनिशियली कि जैसा कि दिया गया था एन एल की इकलौती पुत्री है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल के यहाँ पे दो संतानें हैं, लेकिन पुत्री कितनी है, एक। तो जब इस प्रकार का स्टेटमेंट आपको दिया जाए तो यहां से यह जानकारी आप नहीं निकाल सकते कि
दिए गए जानकारी के आधार पर कितने संतानें हैं बताए गए व्यक्ति के। क्लियर। चलिए अब कुछ और चीजें यहाँ पे बची रह गई हैं, वह ये कि यहाँ पे आपको दिया गया था कि जो मेल मेंबर्स की संख्या है, जो पुरुष सदस्यों की संख्या है, वह महिला सदस्यों की तुलना में क्या है, अधिक है। तो परिवार में यदि अभी तक दी गई जानकारी के आधार पर हम देखें तो 1, 2 और 3 तीन महिला सदस्य हैं जबकि 2 पुरुष सदस्य हैं। इन दोनों का जेंडर नहीं डिसाइड है, तो इन दोनों का जेंडर यह स्टेटमेंट डिसाइड करेगा कि परिवार में महिला सदस्यों की तुलना में अधिक पुरुष सदस्य हैं। तो यह कब संभव होगा, जब हम इन दोनों को क्या मान लेंगे कि यह दोनों क्या है, पुरुष सदस्य हैं, तब क्या हो जाएगा, परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, अभी 4 हो गई, और महिला सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। क्लियर। चलिए इस आधार पर हम पूछे गए प्रश्नों की क्या करेंगे, जानकारी देंगे। पूछा क्या गया है, क्यू और आर की ग्रैंड मदर कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एल। क्लियर। अब यहां पे देखो ग्रैंड मदर का सेंस क्या, अगर यह इनके पुत्र यानी कि इनके पिता की माता हुई तो भी ग्रैंड मदर, और इनकी माता की माता हुई तो भी ग्रैंड मदर। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, एल। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला है एन पी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एन का संबंध पी से किस प्रकार है, तो यह हो गया एन, यह हो गई पी, तो यह पी के हो गए हस्बैंड और यह हो गई इनकी सिस्टर। तो पी के हस्बैंड और उनकी सिस्टर यानी कि पति के बहन को क्या कहते हैं, तो पति के बहन की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ, और हिंदी की बात करें तो सिस्टर इन लॉ भी दिया हो सकता है या फिर ननद भी दिया हुआ हो सकता है। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला है एम पी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहां पे हम किसका रिलेशन देखेंगे, एम का संबंध किससे, पी से। तो यह हो गया एम, यह हो गए पी, तो ये इनके हो गए कौन, हस्बैंड, ये हस्बैंड की हो गई माता और ये हो गए पिता, तो आंसर क्या हो जाएगा, ससुर, यानी कि हस्बैंड के पिता, तो आंसर क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ यानी कि ससुर। एम पी से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ससुर। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला है कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप ऑफ 6 मेंबर फैमिली ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ। क्लियर। चलिए द नंबर ऑफ मेल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ फीमेल, यानी कि यहाँ पे महिला सदस्यों तथा पुरुष सदस्यों की संख्या क्या है, बराबर है, यानी कि मेल इक्वल्स टू फीमेल, पहली जानकारी। दूसरी जानकारी हमें दी गई है ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, ए और ई क्या है, एफ के बेटे हैं, तो यहां पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, ए और ई दोनों क्या है, मेल मेंबर्स हैं, और ये एफ के क्या है, बेटे हैं, तो एफ का जेंडर यहां पे क्लियर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर आपको बोला गया डी के केवल 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का, यानी कि डी यहां पे कभी भी एफ के साथ है मैरिड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डी की केवल 2 संतानें हैं जिनमें एक क्या है, मेल है, और एक क्या है, फीमेल है, तो एक हम बना लेंगे मेल और एक हम बना लेंगे फीमेल, यानी डी की केवल कितनी संतानें हैं, 2। अगली जानकारी आपको दी गई है बी ए का क्या है, पुत्र है, बी इज द सन ऑफ ए, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, बी और क्या है, पुत्र है, यानी कि मेल है। अगली जानकारी आपको दी गई परिवार में केवल एक विवाहित जोड़ा है, यानी कि ओनली 1 मैरिड कपल है किसमें, फैमिली में। चलिए अब यहां पे देखो हम डी को किसके साथ में यहां पे मैरिड कपल बना सकते हैं, तो यहां पे अगर हम डी को ई के साथ मैरिड कपल बनाते हैं, यदि हम यहां पे डी को ई के साथ मैरिड कपल बनाते हैं और हम मान लेते हैं कि यहां पे डी के क्या है, एक पुत्र है और एक पुत्री है, तो परिवार में सदस्यों की संख्या की बात करें तो 3, 4, 5, 6 और 1, 7, यानी कि परिवार में सदस्यों की संख्या 6 से क्या हो जा रही है, अधिक हो जा रही है, इट मीन्स हम इसको ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर सकते। अब हमारे पास विकल्प क्या बचता है कि हम डी को किसके साथ है मैरिड कपल माने, हम डी को ए के साथ में यदि मैरिड कपल मानते हैं तो डी यहां पे क्या हो जाएगी, एक महिला सदस्य हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ए क्या है, एक पुरुष सदस्य है परिवार का,
और दिया गया था कि डी के क्या है, एक पुत्र और एक पुत्री है। तो यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ ऑप्शन क्या है, तो बचा हुआ हमारे पास केवल और केवल कौन है, सी। और सी क्या हो जाएगी, महिला सदस्य हो जाएगी। और इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पे पुरुषों की संख्या अभी तक कितने हमारे पास डिफाइंड है, तो हमारे पास 3 यहाँ पे पुरुष देखने को मिल रहे हैं, जबकि एफ का जेंडर क्लियर नहीं है। और हमें यह पता है कि पुरुष और महिला सदस्यों की संख्या क्या है, बराबर है। तो इस केस में हम एफ को क्या कंसिडर करेंगे, परिवार की महिला सदस्य, क्लियर। अब यहाँ पे हम प्रश्न की यदि बात करें तो बोला है एफ सी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एफ का संबंध सी से किस प्रकार है। तो यह हो गई इनकी माता, यह हो गए माता के हस्बैंड यानी कि पिता, और यह हो गई पिता की माता। तो पिता की माता हो गई, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर यानी कि दादी, क्लियर। चलो बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ द फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली, यानी कि परिवार में महिला सदस्यों के ग्रुप को कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आपका दर्शाता है। तो परिवार में महिला सदस्य कौन कौन है, तो एफ डी और सी। आप क्लियरली देख सकते हैं एफ डी और सी क्या है, परिवार की महिला सदस्य है। तो एफ डी और सी आपको ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले पूछे गए यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न पूछा गया है डी की पुत्री कौन है। तो ध्यान दीजिए डी की पुत्री कौन है, तो डी की पुत्री हो जाएगी यहाँ पे सी। तो यहाँ पे हम बात करें यदि दिए गए विकल्प की, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर, क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में दिया गया है ए बी सी एक्स वाई और जेड एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ए सी का क्या है, पुत्र है। तो ए क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा किसका, सी का। देखो मैं दोनों ही तरह से यहां पे आपको क्वेश्चन बना के दिखा दे रहा हूं, हमने प्लस और माइनस का यूज करके भी बनाया और स्क्वायर और सर्कल का यूज करके भी बनाया, तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो दिया गया है ए सी का पुत्र है, यानी कि ए इज द सन ऑफ सी, जो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है जो, तो जो किसके लिए आएगा, सी के लिए आएगा। जो वाई की ग्रैंड मदर है, तो ये क्या है, वाई की ग्रैंड मदर है। तो देखो यहां पे दो केसेस बनेंगे, एक केस तो ये कि वाई यहां पे हो जाए, ये तो क्लियर है कि सी का जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल, क्योंकि ये क्या है, ग्रैंड मदर है। दूसरे केस की अगर हम बात करें तो ये हो गया सी, ये हो गया ए, और यहां पे ए का कोई भाई अथवा बहन होगा और उसका पुत्र या फिर पुत्री कौन होगा, वाई होगा। तो उस केस में भी सी क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर हो जाएगी, किसकी, वाई की। चल एक्स जेड की एकमात्र संतान है, एक्स क्या कह रहा है, जेड की एकमात्र संतान है, तो इसको हम लोग अलग से लिख लेंगे। देखो यहां पे आ गया ना ओनली चाइल्ड, एक्स जेड की एकमात्र संतान है, तो ये हो जाएगा यहां पे जेड। ना तो यहां पे जेड का जेंडर क्लियर हुआ, ना तो यहां पे एक्स का जेंडर क्लियर हुआ। तो दिया गया है एक्स जेड की एकमात्र संतान है और वाई की माता है। तो ध्यान दीजिए वाई की माता है, तो अगर हम बात करें यहां पर तो एक्स का जेंडर तो क्या आ गया, फीमेल आ गया। तो इस स्ट्रक्चर पे अगर हम बनाते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें पॉसिबल स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। तो जहाँ पे पहले हमारे पास पॉसिबिलिटी कम होंगी हम उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स क्या है, वाई की माता है, तो यह हो जाएगी एक्स, और जेड की एकमात्र संतान है, तो यह हो जाएगा आपका जेड। बी सी का एकमात्र ग्रैंड सन है, बी क्या है, सी का एकमात्र ग्रैंड सन है, इकलौता पोता है, तो ये हो जाएगा बी, और ये डेफिनेटली क्या हो जाएगी, एक फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली हो जाएगी। चलो इसके बारे में हम बताते हैं, हिंदी में काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जैसे कि अगर मैं बात करूं पुत्र के पुत्र को क्या कहेंगे, तो पुत्र के पुत्र को पोता, या फिर पुत्र की पुत्री को पोती। इसी प्रकार अगर हम बात करें पुत्री के पुत्र को, तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है, जैसे कि मैं बात कर रहा था आज, तो एक भाई साहब कह लीजिए, वैसे मैं सबको भाई साहब ही बोलता हूँ,
चाहे वो फिर कोई फीमेल स्टूडेंट हो या फिर मेल स्टूडेंट हो। तो जब मैं हिंदी में जानकारी ले रहा था कि क्या टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर अगर बेटे की बात करें, बेटी की बात करें तो उसको नाती कहते हैं, और बेटी के बेटे की बात करें तो उसको नाता कहते हैं। तो हमने कहा देखो यहाँ नाता नाम का कोई भी शब्द नहीं होता, यहाँ पे भी अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग टर्मिनोलॉजीज का यूज होता है। तो जो बेटी की बेटी होती है उसको नातिन, और जो बेटी का बेटा होता है उसको नाती के नाम से हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे। तो जैसा कि यहाँ पे हम बात करें, पूछा यदि परिवार में पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है तो देखो अभी तक जेड का जेंडर तो क्लियर नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या कर दी, कंडीशन दे दी। तो कंडीशन क्या बोल रहे हैं, यदि पुरुष में परिवार और महिला सदस्यों की संख्या समान है तो जेड ए से कैसे संबंधित है। तो जेड का संबंध हमें किससे बताना है, ए से बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये इनकी पत्नी और ये इनके, अगर हम बात करें कि मेल और फीमेल इक्वल है, तो अभी तक यहाँ पे हमारे पास मेल 2 थे और फीमेल 3 थी, तो इनको भी हम क्या कंसीडर करेंगे, मेल। लेकिन जब कभी भी इस प्रकार की आपको जानकारी दी जाएगी तो ये केवल और केवल उस पर्टिकुलर क्वेश्चन तक ही वैलिड रहेगी। इसके अगले क्वेश्चन में यदि पूछ लिया जाएगा हाउ इज जेड रिलेटेड टू एक्स, तो आपका प्रेफरेंस क्या होगा, डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे। अगर वहां पे ऑप्शन में आपको मदर दे दिया जाएगा तो आपको मदर आंसर टिक करना है, अगर फादर दे दिया जाएगा तो फादर, आइदर और आएगा तो आप आइदर और के साथ में जाएंगे, और सी एन डी यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता मिल जाएगा तो आप उस ऑप्शन के साथ में जाएंगे। यानी कि यह दी गई जानकारी, यह कंडीशन के साथ में दी गई जानकारी केवल और केवल इसी प्रश्न तक ही क्या है, वैलिड है। चलिए अगर हम यहां पे बात करें तो इसको हमें जेड को क्या कंसिडर करना होगा, एक मेल सदस्य यानी कि पुरुष सदस्य कंसिडर करना होगा, और उस केस में यह क्या हो जाएगा, इनकी पत्नी का पिता हो जाएगा। तो उस केस में अगर हम बात करें जेड की, तो जेड क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ यानी कि ससुर हो जाएगा, किसका, ए का। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो बोला है बी इज द डैश ऑफ जेड, यानी कि बी का संबंध जेड के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है आपको दो जनरेशन का यहाँ पे फर्क दिख रहा है, एक जनरेशन नीचे और दो जनरेशन नीचे, और बंदा मेल है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी यानी कि नाता। चल अगले हम यहां पे अगर प्रश्न की बात करें तो फटाफट से हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या बोला है, इफ यू इज द स्पाउस ऑफ वाई, यानी कि अगर हम हिंदी की बात करें यदि यू वाई का क्या है, जीवन साथी है। तो देखो यहां पे यू का तो जेंडर क्लियर नहीं हुआ, ना तो वाई का जेंडर क्लियर हुआ। U इज द स्पाउस ऑफ Y, फिर आपको दिया गया Z इज द स्पाउस ऑफ X, और Z क्या है, X का स्पाउस है, यानी कि Z और X भी क्या है, विवाहित जोड़े हैं। और आगे दिया गया X एंड Y आर ब्रदर्स, तो ध्यान दो X और Y क्या है, ब्रदर्स हैं, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, मेल मेंबर्स हो जाएंगे। और ये दोनों मेल मेंबर्स हो गए तो ये दोनों क्या, ये क्या हो जाएगी, महिला सदस्य हो जाएगी, और यह भी क्या हो जाएगी, महिला सदस्य हो जाएगी। क्लियर। आगे आपको दिया गया है एस इज द हस्बैंड ऑफ टी, एस क्या है, टी का पति है, एस क्या है, टी का पति है, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं, और एस अगर टी का पति है तो टी क्या हो जाएगी, एस की पत्नी हो जाएगी। आगे दिया गया है एक्स इज द फादर ऑफ टी, एक्स क्या है, टी का पिता है, तो चलिए इसको अब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो एक्स क्या है, टी का पिता है, और टी विवाहित है किसके साथ में, तो टी विवाहित है एस के साथ में। चलो आगे अगर हम बात करें आर इज द सन ऑफ टी, आर क्या है, टी का पुत्र है, इसको इधर, चलो आर क्या है, टी का पुत्र है, आर इज द सन ऑफ टी, डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ वाई। अच्छा देखो डब्ल्यू क्या है, वाई की डॉटर है, इसको हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी यहां पे था हमारा टी,
इज मैरिड विद एस, टी इज मैरिड विद एस, और ये हो जाएगी डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ वाई, यानी कि डब्ल्यू क्या है, वाई की बेटी है। क्लियर, डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ वाई एंड मदर ऑफ पी, और पी की क्या है, माता है, और पी का यहां पे जेंडर क्लियर नहीं हुआ। यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ क्यू, यू क्या है, क्यू की ग्रैंड मदर है। हु इज द कजिन ऑफ आर, जो कि आर के क्या है, कजिन है, तो आर के कजिन है, इट मींस डेफिनेटली पी का भाई अथवा बहन होगी। क्लियर, यहां पे दिया गया क्यू इज द कजिन ऑफ आर, क्यू क्या है, आर की कजिन है, यानी कि पी का भाई अथवा बहन होगी, तभी क्या हो जाएगा यहां पे, क्यू कजिन हो जाएगा किसका, आर का। और यहां पे दिया गया था यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ क्यू, तो यू क्या है, क्यू की ग्रैंड मदर है, तो आप यहां पे देख सकते हैं क्लियरली कि ये क्या हो जाएगी, डब्ल्यू का बेटा अथवा बेटी हो जाएगी। क्लियर, अब हम बात कर लेते हैं पूछे गए प्रश्न की। तो स्ट्रक्चर तो आपकी दी गई जानकारी के आधार पर आपने ड्रॉ कर लिया, हिंदी से भी आप इसको एक बार फटाफट से रीड कर लो। देखो क्या लिखा है, यू वाई का जीवन साथी है, यानी कि ये दोनों मैरिड कपल थे, अभी तक जेंडर जेंडर कहां से क्लियर किया आप जब बोला गया था, अच्छा जेड एक्स का जीवन साथी, और आपको आगे दिया गया था एक्स और वाई क्या है, भाई है, तो इट मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली हो जाएंगी। फिर दिया गया था एस टी का पति है, तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं एस टी का पति है, ये आपका एस यहां पे क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा किसका, टी का। फिर बोला है एक्स टी का पिता है, यानी कि टी क्या हो जाएगी, एक्स की पुत्री हो जाएगी। फिर बोला है आर टी का पुत्र है, यानी कि आर क्या है, टी का पुत्र है, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। डब्ल्यू वाई की पुत्री है, डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ वाई। फिर उसके बाद दिया गया और पी की माता है, तो देखो यहां पर और वर्ड आया, तो और किसके लिए आएगा, यहां पर डब्ल्यू के लिए आएगा, और किसके लिए आएगा, डब्ल्यू के लिए आएगा, यहां पर इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। फिर दिया गया है यू क्या है, क्यू की ग्रैंड मदर है, यू क्या है, क्यू की ग्रैंड मदर है, यानी कि क्यू किसकी यहां पे बेटी या फिर बेटा हो जाएगा, डब्ल्यू के लिए। क्लियर, यानी कि डब्ल्यू का बेटा या फिर डब्ल्यू की बेटी हो जाएगा, कौन, क्यू। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं, अच्छा एक और यहां पे दिया था कि आर की कजिन है, तो वो आर की कजिन ही लगेगी, जैसा कि मैंने आपको जब स्ट्रक्चर ड्रॉ कराया था तो वहां पर मैंने कजिन के रिलेशन को डिफाइन किया था। चलो क्वेश्चन ने पूछा है यदि वी डब्ल्यू का जीवन साथी है, यानी कि कंडीशन दिया है कि कौन, इफ वी इज मैरिड विद डब्ल्यू, तो ये अजम्पशन केवल और केवल इसी क्वेश्चन तक वैलिड रहेगा। तो वी क्या हो जाएगा, एक पुरुष सदस्य हो जाएगा इस फैमिली का। तो बोला है यदि वी डब्ल्यू का जीवन साथी है और महिला सदस्यों की संख्या पुरुष सदस्यों से अधिक है, तो फीमेल मेंबर्स क्या है, अधिक है किससे, मेल मेंबर्स से, तो डब्ल्यू की कितनी बेटियां हैं, तो डब्ल्यू की कितनी बेटियां हैं ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी है और पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है। जितने बंदे या बंदियों के जेंडर अभी तक क्या किए जा चुके हैं, डिफाइन किए जा चुके हैं, तो इस आधार पर देखोगे तो एक दो तीन चार, अभी तक यदि हम बात करें तो महिला सदस्यों की संख्या की बात करें तो चार महिला सदस्यों को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, जबकि हम पुरुष सदस्यों की बात करें तो एक दो तीन चार और पांच, पांच यहां पे पुरुष सदस्यों की संख्या डिफाइन की जा चुकी है। अब कितने बचे हुए परिवार के सदस्य हैं जिनका हम जेंडर अभी तक नहीं डिफाइन कर पाए, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं एक और दो, और हमें यदि महिला सदस्यों की संख्या पुरुष सदस्यों की तुलना में अधिक बनानी है तो डेफिनेटली हमें इन दोनों को ही क्या अज्यूम करना पड़ेगा, परिवार की महिला सदस्य अज्यूम करना पड़ेगा। तो उस आधार पे यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस टू, तब यहाँ पे कुल हमारे पास महिला सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, छः, और पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, पांच हो जाएगी। तो इस आधार पे आप अगर देखेंगे तो परिवार में महिला सदस्यों की संख्या जो है वो पुरुष सदस्यों की तुलना में क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और पूछा गया है यदि ऐसा है तो डब्ल्यू की कितनी बेटियां हैं, तो इन दोनों को हमें क्या मानना पड़ेगा, फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली मानना पड़ेगा। तो दोनों की दोनों हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू की बेटियां हैं, इट मीन्स डब्ल्यू की बेटियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, टू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे अगले प्रश्न की। और अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो बोला है विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ
लेटर्स डज नॉट रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ कजिन्स, यानी कि कजिन के ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो इन ऑप्शन को हम वहीं पे लिख लेते हैं टी डब्ल्यू आर पी टी पी क्यू आर, टी डब्ल्यू आर पी टी डब्ल्यू आर पी क्यू आर और टी पी। और बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वाला कजिन के पेयर को डिनोट नहीं करता है। तो अगर हम बात करें टी और डब्ल्यू की, तो ये आपका क्या है, कजिन का पेयर है। अगर हम बात करें आर और पी की, तो ये भी क्या है, कजिन का पेयर है। यदि हम बात करें क्यू और आर की, तो ये भी क्या है, कजिन का पेयर है। और यदि हम बात करें टी और पी की, तो यहाँ क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि जनरेशन का गैप है, यानी कि ये आपका कजिन का पेयर नहीं है। तो इस केस में आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर, अच्छा यहां पे हमने कहां पे लिखा था, ओके टी और पी, यानी कि यहां पे बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, टी और पी जो है वो क्या है, यहां पे कजिन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, आप क्लियरली यहां पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। क्लियर, तो ये तो हो गई बात किसके, फैमिली ट्री या फिर पजल्ड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। क्लियर, जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कठिनाई आ सकती है शुरुआत में, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रक्चर रीड करने पे काम करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करनी है, यानी कि आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बनाते जाएंगे, क्वेश्चंस के साथ में आप फैमिलियर होते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं या जो कंडीशंस दिया हुआ होता है उनको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर पाएंगे। और अगर मैं बात करूं परीक्षा कोई भी हो, यदि आपने यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ लिया, यहाँ पे आपने टॉपिक को डिस्कस कर लिया, दिए गए प्रश्नों को आपने क्या कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, जो भी आपकी समस्याएं थी उसको आपने क्या कर लिया, डाउट को क्लियर कर लिया, तो फिर एग्जाम कोई भी हो, यदि आपसे वह टॉपिक उस परीक्षा में पूछा जाता है, यानी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो जरूरत सिर्फ इतनी सी है कि आप हमारे साथ साथ क्या करेंगे, यहाँ पे तो प्रश्न बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ जो आपको वर्कशीट दी जा रही है, जो आपको शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं, उसको आपको क्या कर लेना है, देख लेना है, वर्कशीट से आपको क्वेश्चंस को हल कर लेना है। और नियमित रूप से जो आपके, अगर हम बात करें प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको भी आपको सॉल्व करते हुए चलना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन, और साथ ही साथ हम लोग वहां पे पढ़ने वाले हैं पॉइंटेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।